हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड। बॉलीवुड पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि ये कॉपीवुड है, साउथ की फिल्में उठाता है और फिल्म बना देता है, उसके बाद करोड़ों कमाता है। बहुत से एक्ट्रेस पे ऐसा इल्ज़ाम लगा कि भाई रीमेक करो और करियर बचाओ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इनफैक्ट काफ़ी लोगों की ये जो गलत फहमी है उसे दूर करना चाहता हूँ। कल्चर का आदान प्रदान न सिर्फ बॉलीवुड में होता है बल्कि साउथ में भी होता है। हमारे बॉलीवुड की फिल्में वहां पर भी बनाई गई हैं दोस्तों, रीमेक्स हुई हैं, और एक बार नहीं और एक लैंग्वेज में नहीं, बार बार हर अलग अलग लैंग्वेजेस में। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सारी लैंग्वेजेस में फिल्में आई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल पोच। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि काफ़ी सारे एक्टर्स, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो सलमान साहब हो, अजय देवगन, इन सबके ऊपर, ये अपने शाहिद कपूर ले लीजिए, इन सबके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि ये करियर ख़त्म होने पे इन्होंने साउथ की फिल्में पकड़ी, सुपर डुपर हिट करी, फिर उसके बाद इनकी अपनी अब चल पड़ी। मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, तो यहाँ पर इनकी फिल्में भी साउथ में, यानी कि हमारी जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री है, टॉलीवुड है, वहाँ पर भी रीमेक हुई है। जी हाँ दोस्तों, और एक बार नहीं कई बार। दोस्तों आप लोगों को ये तो पता होगा कि अंधाधुन, जो कि 2018 में फिल्म आई थी आयुष्मान खुराना की, इसकी तीन अलग अलग लैंग्वेजेस में फिल्म बनी है। 2021 में दो आई थी और एक 2022 में आई थी। तेलुगु में आई थी मैस्त्रो, मलयालम में आई थी ब्राह्मण ब्राह्मम, और तमिल में आई थी अंधागन। माफी चाहूंगा अगर मेरी तमिल अच्छी नहीं है, ना ही तेलुगु ना मलयालम, बट मैं आपको बता रहा हूँ। क्वीन, कंगना रनौत की क्वीन 2014 की सबसे ज्यादा, जो फीमेल ओरिएंटेड, जिसने की सबसे ज्यादा पैसा कमाया बॉक्स ऑफिस में, उस फिल्म की चार तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इनमें बन चुकी हैं फिल्में, और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से लेकर काजल अग्रवाल तक ने उसमें लीड रोल पोर्ट्रे किया है। तब लोग देखते नहीं है क्या ये बात, ये चीजें। चलिए अभी तो और एग्जाम्पल देता हूँ, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, दोनों को ही कॉपी किया गया दोस्तों, रिमेक बनाया गया। तमिल में बनी वसूल राजा MBBS 2004, तेलुगु में बनी शंकर दादा MBBS 2004, और कन्नड़ा में बनी उप्पी दादा MBBS 2006। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्में हैं, और सेम यही, इसी का ही सेकेंड वर्जन जो बना है वो अलग अलग बना है, यानी कि लगे रहो मुन्ना भाई का। अ वेंसडे 2008 की फिल्म तमिल में बनती है उन्नाई पोल उरुवन 2019 में, और तेलुगु में बनती है इन्नाडू 2009 में। थ्री इडियट्स, सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग जो आमिर साहब के करियर की फिल्म है दोस्तों, मतलब ऐसे तो उनकी सारी ही फिल्में अच्छा कमाती हैं बॉक्स ऑफिस पे, टचवुड। 2009 में वो बनी थी थ्री इडियट्स, उसका तमिल वर्जन आया था, रिमेक वर्जन, रिमिकी नंद बॉर्न 2012 में रिलीज हुआ था। बैंड बाजा बारात रणवीर सिंह का 2010 में जो रिलीज हुई थी, तमिल में आई थी अहं कल्याणम, जो कि 2014 में आई थी, तेलुगु में आई थी ये फिल्म जबरदस्त 2013 में। OMG अक्षय कुमार साहब की फिल्म 2012 जो रिलीज थी, तेलुगु में आई गोपाला 2015 में, और कन्नड़ा में आई मुकुंदा मुरारी 2016 में। जब वी मैट, शाहिद कपूर की फिल्म, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि करियर डूब रहा था, तो इन्होंने अर्जुन रेड्डी का अपना वर्जन बना दिया, हिंदी वर्जन, तो उनकी फिल्म जब वी मैट कंदन कांधाली 2009 में आई थी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इस पर मुझे एक बात याद आती है जो कि किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान साहब ने बोली थी, कि साउथ फिल्म्स अगर, या फिर अगर इस तरीके से हिंदी में बनती हैं, तो इससे कल्चर का आदान प्रदान होता है और मास ऑडियंस तक ये पहुँचती है, अदरवाइज वो एक स्टेट या फिर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों तक सीमित रह जाती है। आपको क्या है कहना, आप जरूर बताएं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।